नमस्कार सभी आंगनबाड़ी बहनों का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई अपडेट में। बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप में एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है जो 19.7.1 है। ये जो अपडेट आई है इसमें दो बदलाव किए गए हैं। दोनों बदलाव वैसे तो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों को इस अपडेट को अपडेट करना ज़रूरी है। चलिए, क्या अपडेट है इसके बारे में आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप जब पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपको नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा, पोषण ट्रैकर ऐप अपडेट, प्लीज़ अपडेट ऐप टू न्यू वर्जन टू कंटिन्यू योर वर्क। यानी कि ये कह रहा है कि आपके पोषण ट्रैकर ऐप में एक नया अपडेट आ चुका है, आप इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ से भी जाके इसको अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसको अपडेट करते हैं, सीधे आपको प्ले स्टोर पे लेके जाएगा। जैसा कि यहाँ पे प्ले स्टोर आ चुका है, यहाँ पे हम जस्ट वन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे आ चुका है और यहाँ पे आपको अपडेट करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको वर्जन चेक करा देते हैं कि ये कौन सा वर्जन आया हुआ है। ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है, 9 नवंबर 2023 को ये अपडेट आया हुआ है। देख सकते हैं 19.7.1 का ये अपडेट है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अपडेट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ पे अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपका जो ये पोषण ट्रैकर ऐप है वो अपडेट होने लगेगा। तो देख सकते हैं चंद सेकंड में आपका यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो अपडेट हो चुका है। चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा बैक कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि ये अपडेट क्या आया हुआ है। यहाँ पे पोषण ट्रैकर लिख के फिर से सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ पे आपको हॉट फिक्स और ऐप ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में जब भी अपडेट आते हैं तो हॉट फिक्स या ऐप ऑप्टिमाइजेशन इनके साथ में आते हैं। जैसे कि अगर पोषण ट्रैकर ऐप में कुछ भी गड़बड़ी हो, कुछ भी पेंडिंग वगैरह काम हो, उसके लिए ये अपडेट आती है। बाकी इसमें कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। तो चलिए इसको हम लोग सिंपली ओपन कर लेते हैं। इस प्रकार से जैसे ही हम पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो हमारा 4 से लेकर 7 तारीख तक जो हम लोगों को ACM और THR भरने के लिए जो एक ऑप्शन को बढ़ाया गया था यहाँ पे, उस ऑप्शन को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। और पोषण ट्रैकर ऐप में जैसे कि उस टाइम काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही थी कि 4 से 7 तारीख तक जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं ACM और THR भर रही थी तो उनका सर्वर पे अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो बाकी वो 7 तारीख से पहले ही सभी सेविका भवनों का अपलोड हो चुका है। अब जो ये ऑप्शन है इसको हटा दिया गया है। अब जो भी अक्टूबर महीने का THR या ACM है अब यहाँ पर आप लोग नहीं भर सकते हैं। बाकी पोषण ट्रैकर ऐप में जैसा आप लोग काम करते हैं वैसा ही करना है, कोई इसमें ज़्यादा कुछ अभी बदलाव नहीं हुआ है। और अगर कोई भी काम आप लोगों का पेंडिंग वगैरह होता है तो अब यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी सेविका बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।